सुभाना गलाय मलाना अल्लाहुम्मा लाइल मलाना सुभाना गलाय मलाना अपनी बेटियां नू गोद मुबारक च बिठांदे सन। फरमाया बेटी अज मैं मुहम्मद दे हत्थो खुश्क पत्ते खा के गुजारा कर लो। इन्नामा अल उसरी युसरा इन्नामा अल उसरी युसरा बेशक अल्लाह तगिया तो बाद आसानिया दे दरवाजे खोल देता है। आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दीन दी खातिर कितनी कुर्बानियां दीतियां ने। आमना दिलाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने दुआ कीतिया ने। अल्लाह को मंगते ने कि या अल्लाह उम्र दे दे या अमर दे दे। अगर मेरे दामन के नाल उम्र सजदा है तो उम्र ने इस्लाम की तौफीक अदा फरमा दे। अगर मेरे दामन के नाल अमर सजदा है तो अमर ने इस्लाम की तौफीक अदा फरमा दे। हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु वाकया मशहूर है कि हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो
कतल करंदा शहीद करंदा मंसूबा बनाया गया। मैं मुकम्मल वाकया नहीं दोहरांदा बस शॉर्टकट करके अगे मेन गल करना चाहना। आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिशन नो आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो खत्म करन दी साजिश हो गई। फिर ए गल हुई कि आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म करन वास्ते जाएगा कौन, किस दे अंदर इतनी हिम्मत, किस दे अंदर इतनी जुर्रत के आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके शहीद कर दे रहे। चुनाचे मजलिस दे अंदर तय होया कि एक नौजवान ऐसा है जेड़ा जाके आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर सकता है, आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद कर सकता है। चुनाचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दा इंतखाब होया कि जाओ तुस आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतल करके आओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार ली, तेज तेज कदम ना दिलाल चल रहे ने। रस्ते के अंदर एक सहाबी मिले, फरमाया उमर आज खैर ते है, किथे जावा दा प्रोग्राम है, किथे जा रही है इतनी तेजी दे नाल। फरमाया आज मैं तुहाडे नबी मुहम्मद मुस्तफा नो खत्म कर देंगा, उन्हां दा नाम ही खत्म कर देंगा। फरमाया उमर तू ते आमना दे चंद दी गल करना है, पहले अपने घर नू ता संभाल, पहले अपने घर दे अंदर जाके देख तेरी भैन कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी है, तेरा भैनोई भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठी वापस आना शुरू हो गए। वापस पहुंचे देखिया अपनी जबान ते अपनी भैन की जबान ते जारी है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा अपनी भैन मारना शुरू कर दिता है। जो उमर फारूक मार मार के थक गए ने, भैन थले गिर गई, लेकिन भैन इस्लाम तो पीछे हटने वास्ते तैयार कोई नहीं। हजरत उमर हैरान हो गए, आज मेरी भैन ते आज अपनी भैन नू मैं इतना मारिया है अगर मैं किसे होर नू इतनिया मारा देना है अपने निशान तो बाहर आ जाता है, लेकिन आज मेरी भैन है एक कुरान छोड़न वास्ते तैयार कोई नहीं। आज मेरी भैन है आमना दे लाल दा आ साथ छोड़न वास्ते तैयार कोई नहीं। भैन आख दे ने भैना जरा किताब मैनू वेखा जिसकी तू तिलावत पई करनी है, भैन ओ जरा किताब मैनू भी दिखा लाए जिसकी तू तिलावत पे करनी आओ। भैन कहती है ना ना तेरा जिस्म ना पाके तू काफिर गैर मुस्लिम है, जब तक तो अपना मुल गुसल करके नहीं आएगा उदो तक तेनू किताब नहीं हो दिखाने, उदो तक तेनू किताब नहीं हो देने। वो मरे जे तू चाहना है मैं किताब तेनू दे देवाए, उस किताब नो पढ़ना चाहना है पहले जाना गुसल करके आना है। हजरत उमर गए ने गुसल करके आए ने, अल्लाह दे कुरान दिया तिलावतां कीतियां ने, फौरन फरमाया मैं अपने सरदार दे कोल लेके जाना है। अज मैं उस सरदार दे कोल जाना चाहना है जिन्हों आमना दा लाल कहंदे ने। हजरत उमर चल पे आमना दे लाल साबा दे दरमियान बैठे रहे सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते रहे ये सोने आए अज वेखना उमर आ रही है हाथ अंदर तलवार पक
गई हुई है। हराम ना दिलाल ने फरमाया है, मेरे चाचा जरा ठहर जाना है, आज सुनो आते लैंड दे रहा है। हजरत मेरे हमजा फरमा दे रहे सोने आए, अगर नियत नेक लेके आ रही है आज उमर ने इस्तकबाल करा गए, अगर नियत कोई हो लेके आया है उमर की तलवार दे लाल उमर का सर कलम कर दे आगे। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अलैह आमना दिला दे खिदमत आली दे अंदर आए ने। मैं कहना है जब आमना दिला दे खिदमत आली दे अंदर हजरत उमर आए ने, आमना दिला ने फरमाएगा उमर उदो तू किथे रह गया है, जब मेरे रस्ते दे अंदर घंटे बिछाए गए ने, उमर तू उदो क्यों नहीं आया है, जब मेरे छटिया गई ने उमर तो दो क्यों नहीं आया है, जो मैनू इतनिया तकलीफा दितिया गई है उमर तो दो क्यों नहीं आया है, जो मैनू गालियां कड़िया गई है मेरा तसव्वुर। हजरत उमर फरमांदे ने सोने एक बारी कलमा पढ़ावना तुहाडा काम है, जे सारे बदले ना लवा ते मैनू उमर बिन खताब ना कहना। सोनिया एक बार कलमा तक पढ़ाओ ना, कलमा पढ़ा के अपने गुलामी के अंदर शामिल करो ना। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी के अंदर आए, फिर इस्लाम को कितनी अजमत मिली, कितनी बुलंदी मिली। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस धरती के उत्ते कितना इंसाफ कायम किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला जेड़े आमना दिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा मुबारक ने, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मकान तमीर करवाया। जब इमारत मुकम्मल हो गई हजरत अब्बास अपने मकान दे छाते आप पर नाला नसब करना चाहते ने, आमना दिलाल दा गुजर हो गया, फरमाया चाचा जान है पर नाला केड़ी जगह ते नसब करना चाहते हो, फरमाया सोनिया इस जगह ते नसब करना चाहना है, फरमाया मेरे चाचा है मेरा जी चाहता है कि फला जगह ते पर नाला नसब कर दिता जावे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सोनिया अगर जोड़ा जी चाहता है फिर सोने इस जगह ते अपने हाथ दे नाल पर नाला नसब कर दे, आमना दे लाल अभी वेख मेरे आए हजरत मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा बोल के आखो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा जान है फिर तुसा जरा थल्ले बैठो ना ताकि मैं खुद अपने हाथ दे नाल तुहाडे मकान दी छत ते पर नाला नसब कर दे आना है, आमना दे लाल है। जदों हजरत अब्बास दे कंधियां ते सवार होए ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दे जिसां ते बड़ा बोझ आया है ना, हजरत अब्बास ने फौरन हाथ थल्ले जमीन ते टेके ने आमना दे लाल थल्ले उतर गए ने, फरमाया अब्बास हर किसी दे वस दी गल नहीं के नबूवत दा बोझ बर्दाश्त कर सके, जे हसन वेखे ओ भी नबी दे कंधियां ते सवारी करे, आहा जे हुसैन नु वेखे ओ भी नबी दे कंधियां ते सवारी करे, अली नु वेखे ओ भी नबी दे कंधियां ते सवारी करे, जे अब्बास नु वेखे ओ भी नबी दे कंधियां ते सवारी करे, लेकिन एक सिद्दीक अकबर जिंदे मोढ़ियां ते आमना दा लाल सवारी करदा है। आमना दे लाल ने फरमाया चचा मैं थल्ले बैठना वा तुसी मेरे मोढ़ियां ते सवारी करके अज परनाला नसब कर दियो ना, आमना दे लाल थल्ले बैठ गए ने हजरत अब्बास आमना दे लाल दे मोढ़ियां ते सवार गए उस जगह ते परनाला नसब कर दिता है। हजरत उमर दा दौर आया है नमाजी गुजरदे ने मौसम खराब हो गया है बारिश दे पानी दी वजह तो अज नमाजियां नु तकलीफ पई होंदी है, बारिश दे पानी दी वजह तो अज
नमाजियां दे कपड़े खराब पे होंदे ने बारिश दे पानी दी वजह तो आज नमाजियां नु परेशानी हो रही है बारिश दे पानी दी वजह तो आज नमाजी परेशान हो रहे ने हजरत उमर ने फरमाया जाओ अब्बास दा पता करो ना है जदो पता करवाया गया है हजरत अब्बास दे सफर दे अंदर मौजूद रहे हजरत उमर ने फरमाया मैं अमीर उल मोमिनीन होते नाते आज मैं हुक्म दे नावा है कि आज इस पर नाले नो उतार के दूसरी सैर ते नसब कर दियो आज इस पर नाले नो उतार के दूसरी साइड ने सब कर दियो परनाला उतारा गया दूसरी साइड ने सब हो गया शाम या दूसरा दिया लाया हजरत अब्बास सफर तो वासी आ गए वेख्या परनाला अपनी जगह ते मौजूद कोई नहीं फरमाया किसने परनाला है मेरी बगैर इजाजत तो उतार के हाँ दूसरी साइड ने सब कीता है फरमाया के उमर ने हुक्म फरमाया है इस परनाले नो उतार के हाँ दूसरी शहर ते नसब कर दियो ना हजरत अब्बास फरमांदे ने घर मेरा है उमर कौन हुंदा है मेरे घर दे अंदर मुदाखलत करन वाला है मलकियत मेरी है उमर कौन हुंदा है मेरे घर दे अंदर हाँ दखल अंदाजी करन वाला है हजरत अब्बास चले गए वक्त वक्त दे काजी हजरत वक्त दे काजी ने कोल है हजरत उबई बिन काब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोल है फरमाया सोनिया उमर ने मेरी बगैर इजाजत तो मेरा परनाला उतार के हाँ दूसरी सहर ते नसब कर दिता है सोनिया अज मैनू इंसाफ देओ ना सोनिया अज मैनू इंसाफ देओ ना फौरन पैगाम भेजा के उमर नू बुला के अज अदालत दे अंदर पेश करो ना कुर्बान जावा कासिर चला गया वक्त दे अमीर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल के वक्त दे काजी ने तुहानू बुलाया है अदालत दे अंदर तुहाडी पेशी है हजरत उमर भी उस अदालत दे अंदर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला नो ओ भी उस अदालत दे अंदर मियां हक अज दा कोई अमीर होवे यार मियां काजी भी खड़ो के इस्तकबाल करे आए लेकिन जदों हजरत उमर अदालत दे अंदर गए ने वक्त दे काजी ने इस्तकबाल नहीं कीता है ताकि दुनिया नो पता चल जावे अगर अदालत दे अंदर मुजरिम बन के आवे ते मुजरिम दिया सलूक करना चाहिदा है हजरत उमर अदालत दे अंदर आए ने हजरत अब्बास भी अदालत दे अंदर काजी साहब ने फरमाया हां अब्बास आज जरा अपना दावा पेश करो ना हजरत अब्बास फरमांदे ने सोनिया मेरा फला जगह ते परनाला नसब कीता ही ना ओ आमना दे चंद नसब कीता ही ना उमर ने मेरे बगैर इजाजत तो आ परनाला उतार के दूसरे शहर ते नसब कीता है सोनिया उमर ने मेरी बगैर इजाजत तो ए बगैर इजाजत तो परनाला क्यों उतारे आए इस बात ते सोनिया मैनू इंसाफ देओ ना काजी साहब ने फरमाया अदालत दे अंदर दो गवाह पेश करो ना हजरत अब्बास चले गए दो गवाह लेके आए गए ने काजी दी अदालत दे अंदर जदों गवाहां दे सामने इस बात हो गया कि आमना दे चंद परनाला नसब कीता ही ना उमर ने बगैर इजाजत दे परनाला उतार के दूसरी साइड ते नसब कीता है काजी साहब ने फरमाया कि उमर हुण तू दस तू इहदे जवाब दे अंदर की आखना चाहना है फरमाया काजी साहब अब्बास ठीक बयाख दे ने मैं ते इस वास्ते कीता ही के लोगां नू तकलीफ हो रही आई ना नमाजियां नू परेशानी हो रही आई इस वास्ते सोया मैं ते परनाला उतार के दूसरी साइड ते नसब कीता है काजी साहब ने फरमाया उमर हुण तू अपनी सजा तजवीज करना है हजरत
हजरत उमर फरूक फरमाते ने काजी साहब एक सजा है, आज उमर खुद तजवीज करना चाहता है, अगर अब्बास नु मंजूर होवे तो ठीक है, अगर अब्बास नु मंजूर ना होवे जड़ी सजा होवे आज उमर अदालत दे अंदर आज कबूल करन वास्ते तैयार है। मियां वक्त अमीर है, वक्त हुक्मरान है। हजरत उमर ने फरमाया सोने आए मैं सजाए तजवीज कर लाए कि मैं खुद जाके हाँ कर अगारा बनाना वाए, मैं खुद जाके उमर दा राज अब्बास दा परना लाए, उस जगह को उतार के उस जगह ते दोबारा नसब कर देना वाए, सारे मदीना दे अंदर जाके ऐलान कर देने आए के तआलो तआलो इनल मस्जिद नबवी तआलो इना बैत अल अब्बास, के सारे मदीने वालों मस्जिद नबवी वाल तशरीफ लेके आना है। जो मदीना दे अंदर निदा गई ना है, सारे मदीना वाले मस्जिद नबवी वाल आना शुरू हो गए, हजरत अब्बास घर वाले आना शुरू हो गए। मियां वक्त अमीर उल मोमिनीन है हजरत उमर फरूक आखो जरा रजी अल्लाह ताला अनु, हजरत अब्बास ने गारा तैयार किया, हजरत उमर फरूक फरमाते ने के अब्बास मैं थल्ले बैठना वा तुसी मेरे मोढ़िया ते सवार हो जा, जिस जगह ते परनाला नसब करना चाहते हो नसब कर दे हो ना। मियां वक्त अमीर खलीफा है, लेकिन जो अदल दीवारी आई है हजरत उमर थले बैठे ने, हजरत अब्बास होते सवार हो गए कदिया ते, उस टाइम मदीने वालियां दिया चीखा निकल गईया के अब्बास 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 जरा ख्याल कर, नबी दा चाचा अपनी जगह ते बजाए, लेकिन ये भी खलीफतुल मुस्लिमीन है, ते नबी दी मुराद बन के आया है, हाँ नबी दी दुआ दा समरा बन के आया है। अब्बास तू ते जानदा है ना, नबी ने खुद उमर तो मंगया है ना, अब्बास तू ते जानदा है ना, उमर दी गैरत अल्लाह ने परदा दा हुक्म नाजिल फरमाया, अब्बास तू ते जानदा है ना, उमर दी जात है ना, अल्लाह ने 20 रकअत तरावीह दा हुक्म फरमाया, अब्बास तू ते जानदा ना, अब्बास तू ते जानदा ना, उमर कितनी शर्मा वाला है ना, उमर कितनी हया वाला है ना, अब्बास तू ते जानदा ना, उमर कितने अदल वाला है ना, अब्बास कुछ ते ख्याल कर लेना, अब्बास कुछ ते ख्याल कर लेना, अज पूरे मदीने वाले दे विचो अज अब्बास जिसनो भी आखे अज तेरा परनाला नसब कर देगा, लेकिन अब्बास अज अमीर मोमिनीन दे कोल इस तरह काम ना लावा। जब मदीने वाले ने आवाजा देनिया शुरू की दिया हजरत उमर फरमाते ने मदीने वाले ठहर जाओ ना ठहर जाओ ना ठहर जाओ, अज उमर खुद अदर कैम करेगा ताकि दुनिया नो पता चल जावे, अगर उमर भी गलती करे ते उमर खुद गलती दी सजा भुगता पिया है। आज उमर खुद इस जगह ते परनाला नसब करेगा, हजरत अब्बास हजरत उमर दे कंधे ते सवार हो गए, गारा पहले देने गारा गिरदा है, हजरत उमर दे चेहरे ते पै जांदा है, हाँ गारा गिरदा है, हजरत उमर दी दाढ़ी मुबारक दे अंदर, हाँ गारा गिरदा है, हजरत उमर दे सर मुबारक दे अंदर गिर रही है, हजरत उमर दी अखां हाँ छम छम सा लग गई है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो परनाला नसब कर देता है ना, हजरत अब्बास जो हजरत उमर दे कंधा मुबारक हाँ थले उतरे ने फौरन हजरत उमर दे सीने दे नाल अपना सीना लावना शुरू कर दिता है। उमर मैं कोड़ो ना बदला लैन वाला है, उमर मैं कोड़ो ना थोड़े तो इंतकाम लैन वाला है, मैं ते सब कुछ
विश्वास कीता है ताकि दुनिया नो पता चल जावे उमर कितना अदल कैम करदा है, ताकि दुनिया नो पता चल जावे उमर कितना इंसाफ कैम करदा है। बहर हाल दोस्ता है बिल्कुल शॉर्टकट करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करिए, वक्त गुजरता गया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाए जब आखिरी वेला आया है, रात का टाइम हो गया है, रात के टाइम अपने बिस्तर ते ने देखा चौधरी रात आ जाने बड़े जोबन दे नाल निकला होया है ना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब चन्न देखा ना, चन्न देख के आख दे ने उमर तेरी जवानी भी तेरी जिंदगी दी हालत भी इसे चांदी तरह है ना, चंद एक वेला आया ना चांदी बिल्कुल छोटी जे उमर आई, एक वेला आया चौधरी रात का चंद आंदा है बिल्कुल जवानी दे अंदर आंदा है, एक वेला ओ भी आंदा है कि चंद अपनी आखिरी उम्र दे अंदर पहुंच जांदा है। उमर तेरी भी यही काफियत है, एक वेला ओ आई ना जब तू पैदा होया ना, एक वेला ओ आई जब तू नबी दी मुराद बन के आ नबी दे नाल आया है ना, एक वेला ओ भी आया है कि अल्लाह ने तेरे हक बड़े लाके फतह कीते ने, लेकिन आज ओ वेला भी आया है कि उमर बुढ़ापे दी हालत दे अंदर है। रात वेला है दुआ पे करते रहे, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, अल्लाह मैं तेरे को एक सवाल करना चाहना है, अल्लाह मैं उमर आई तेरे को एक क्वेश्चन करना चाहना है, केड़ा सवाल है, अल्लाह मैनू मौत देवे ते शहादत वाली देवे, मौत देवे ते आमना दे लाल दे मदीना दे अंदर अता करे, केड़ा मदीना जो जवान लाखों सुभान अल्लाह ते शेर सुना दईए, एक बारी आखो ना सुभान अल्लाह, खामोश ना बैठे करो, चाहे एक दो भी हो जितने भी हो शौक बनाया करो, एक बारी आखो सुभान अल्लाह, जेड़ा तुस सुभान अल्लाह आखसो ना जन्नत के अंदर अल्लाह ताला एक दरख्त ला दे से, जे सुभान अल्लाह ना अल्लाह आखसो दरख्त तो मरूम हो सो फिर जन्नत के अंदर तुम तेरे वाले इस वास्ते सुभान अल्लाह उच्चवान अल्लाह कर कर एक बार आप को सुभान अल्लाह सोने दे मदीने दी गल आई ते शेर सुभान ते आ गया केड़ा मदीना, ओ सोने दे मदीने दी सोने दे मदीने दी क्या शान और नबी दी
हर कोई हया नहीं करता है, बल्कि केड़ा हया करता है, हया करता है ओ बंदा, हया करता है ओ बंदा, जैता खून हलाली हया करता है ओ करने की कोशिश करता है, अल्लाह उन्हें क्या माती
ਦੀ ਸੋਬਤ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਖੰਜਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਰੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਅਜਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਫਾਦਤ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਉਮਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਉਮਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ 27-28 ਜ਼ਿਲਹਜ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਯਕਮ ਮੁਹਰਰਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੋਸ਼ ਫਰਮਾ ਗਏ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਓ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੰਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਅੰਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਈਏ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਮਜਮਾ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਆਈ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਖਤਸਰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਖੁਦ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹਦੀਆ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਫੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਛੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਈਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਮੌਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸੂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਕੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਰ